वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है और यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत बहुत अच्छी सी सुबह का आगाज किया होगा जी, क्योंकि आज जब सुबह हुई है तो क्या खूबसूरत सुबह हुई है, इतनी जबरदस्त बारिश। लेकिन ये जो बारिश है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि बारिश किस टाइप की बारिश है, क्योंकि इसमें जो है वो धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है, तो वो जो हमें एक फीलिंग्स हो रही होती है, जो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है ना, मौसम इतना खूबसूरत हुआ होता है, तो मौसम तो वही का वही है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये क्या है, मैं कहीं ना कहीं से वो क्लाउड्स ढूंढ रही थी सुबह जो नजर आ जाए जिससे हम खुश हों, लेकिन वो क्लाउड्स तो नहीं थे लेकिन बारिश हो रही थी। खैर जी, हम इसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि कल रात में बड़ा मजे का एक मैं एक न्यूज़ चैनल पे सुन रही थी, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि जी पेशेंट गोई है कि बारिश की, लेकिन कराची वाले यकीन नहीं कर रहे। तो वाकई ये वाले हालात हो गए थे हमारे कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि बारिश होगी। खैर जी, सुबह सुबह बारिश हुई है, अच्छा है, हमें खुश रहना चाहिए, हमें चिल करना चाहिए आज सुबह की मॉर्निंग को। लेकिन बहुत ट्रैफिक जैम था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, और एकदम से आपको तो पता है ना कि हमारा कराची है जी, और यहाँ पे तो थोड़ी सी भी पानी टपकता है तो एकदम से पानी खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस वही हुआ, पानी जो है वो अपनी रोडों पे भर गया था, ट्रैफिक जैम हो रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देख रही थी जो बाइक वाले थे, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि उनकी बाइक स्लिप होती है। तो प्लीज़ 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 अगर आप घर से निकल रहे हैं तो बहुत केयरफुली निकलिएगा, बहुत देख के निकलिएगा। और जो है, क्योंकि मैं देख रही थी एक दो की भी, तो मेरे सामने वहीं पर बाइक स्लिप हुई है, तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल करके, ठीक है जी। और आज इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज पर्सनालिटी मेरे शो के ऊपर है, मुझे बहुत मज़ा आएगा। और वही वाली बात है कि जब हम अपने कुछ जब मैंने अपने शोज़ करना स्टार्ट किए थे, तो मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो अभी आगे भी मुझे मिलेंगी और मेरे शो पर आएंगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको बहुत सारी बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मुझे मज़ा आता है सीनियर्स के साथ बात करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, हमें उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि अब हम लोग तो न्यू कमर्स हैं, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जब वो बताते हैं, वो किस्से सुनाते हैं, तो फिर बहुत मज़ा आता है। मैं बात कर रही हूँ जी राजू जमील साहब की, वो हमारे शो पर इन्वाइटेड हैं, आज हमने बहुत सारी उनसे बातें करनी है, और वो इतनी लाइवली पर्सनैलिटी हैं, इतना मज़ा आता है। और मैं बताऊँ, जब भी हम उनको देखते थे ना किसी ड्रामे में, तो इतने बेस्ट फादर को उन्होंने रोल करते थे। मैं बहुत अर्ली स्टेजेस की बात नहीं कर रही, मैं ज़रा थोड़ी सी 90s में आ जाती हूँ पहले, अभी तो जब हमने देखना स्टार्ट किया था उनको, तो लाइक इतने अच्छे वो फादर होते थे, इतने अच्छे नाना दादा, और लाइक इतना कि आइडियल फादर का रोल उन्होंने हमेशा अदा किया है। और मैं उनका कुछ इंटरव्यूज़ देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी नेगेटिव रोल्स नहीं किए, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रोल्स किए। मेरे ख्याल से इसी वजह से वो बहुत पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव है कितने नहीं है ये तो जब वो मेरे शो पे आएंगे तो मैं उनसे ढेर सारी बातें करूँगी, उनसे बहुत कुछ जानूंगी उनके बारे में। लेकिन अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान हमारे साथ होंगे, हिलाल भी हमारे साथ होंगे, एक्सरसाइज भी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज भी करेंगे, और आप लोग भी यकीनन बहुत एक्साइटेड होंगे, आपको भी उनसे बहुत सारी बातें करनी होंगी राजू जमील साहब से। तो बस आज वो हमारे शो पे हैं, फुल पैक्ड शो होगा, बहुत मज़ा आएगा, उनके कुछ ट्रेलर्स भी दिखाएंगे आपको, तो बस हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। सही है, इतना गाना आज बहुत है, बहुत है। अरे बस इतना गाना सही है। गाना इसलिए बंद करा, आप थोड़ा बोले बात करें। मैं नहीं, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो गाना सुनना है भाई। अच्छा, गाना सुनाते हैं आपको, यही वाला सुना है? अच्छा जी, बताए बारिश, ये बिन बारिश का ही, ये बारिश हो गई और रेडी लगी पूरे मौसम, बहुत बुरा लगी। ये धूप क्यों निकली हुई बताओ, या तो ज्यादा हो जाती है ना, या तो ना हो। धूप थी अभी बाहर, धूप थी और उसके साथ बूंदी भी पड़ी, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा ये वाले। और तो और कच पच कीचड़ बहुत हो गई, ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा जी, हिलाल अभी तक नहीं आए हैं, मेरे ख्याल से उनकी भी कोई बाइक, उनका कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई है, बाइक में कोई मसला हुआ है, तो हिलाल अभी तक नहीं आया। लाइव शोज है तो ये सब चीजें तो होती ही रहती है, मैं वही पता करने के लिए गई थी हिलाल का। जी आप कंटिन्यू करिए। आ जाओ भैया,
कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, आजा हिलाला जा, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, देख तेरी नजरों को पाए ना भाए ये नजारा, मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, ये मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, बुला लेते मेरे घर से ना ना नहीं रहा, मेरा दिल तड़प रहा है उसके लिए। धड़क रहा है दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले दिन यहां से चला जाऊं, धड़क रहा है दिल दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहां से चला जाऊं, जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा, कि मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा, आजा हो आजा, आजा हो आजा। अब देखिएगा आप क्या बात है जी, आप हिलाल आ जाएगा आप देखिएगा। तो मुझे ये क्या गड़बड़ है, आपने हिलाल को बुलाया? बड़े याद कर रहा हूँ मैं उसको, मैं कल आ नहीं सका था तो इसलिए आज मैं कल। अरे हाँ, आप कल कहाँ थे? तबीयत इतनी खराब थी, यकीन ये जरा शक्ल देखें आपकी, तबीयत खराब लगने वाली शक्ल लग रही है कहीं से भी नहीं। वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने बनाई है, लेकिन ये क्या? नहीं, अल्लाह ताला ने बनाई तो है, बिल्कुल बनाई है, लेकिन उसमें पता लग जाता है इंसान को। चार लोग बोलते ना तो मेरी समझ भी नहीं आता मैं क्यों नहीं बीमार पड़ती और लोग क्यों बीमार पड़ जाते हैं। एक्टिव लोग है ना आप लोग, यार आप लोग माशाल्लाह, आप लोग सुस्त लोग हैं। नहीं नहीं, तीन तीन चार चार टाइम आप लोग जो की जॉब्स है ना, हाँ। मेरी एक सुबह की एक शाम की है, लेकिन वो बीच में जो टाइम आता है ना उसमें फिर खाना पीना जरा टाइट हो जाता है फिर। तो मत किया गया ना खाना पीना टाइट? नहीं, वो कुछ ऐसी चीज सिंगर हजरात के लिए प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। अच्छा। अब मैं चार बातें कर रहा होता कल आपसे तो पांच दफा खांसी आ चुकी होती। तो कोई बात नहीं, हम आपकी हम आपको कफ सीरम दे देते हैं। सही है, ठीक है जी। अच्छा जी, हिलाल आ चुके हैं, अभी हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिलाल भी हमारे शो के ऊपर होंगे, उनसे थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कराएंगे। और मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को कि आज का शो बहुत मजेदार है, क्योंकि आज आजू जमील साहब हमारे शो पे इन्वाइटेड है, बहुत सारी बातें करनी है उनसे, ढेर सारी उनसे बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट जानेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो फिर हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ, एक नन्नी मुन्नी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। एक दफा फिर से आपको बारिश बहुत बहुत मुबारक हो जी। जी
वेलकम बैक टू फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिन्होंने अभी ट्यून इन किया उनको एक दफा फिर से जी बारिश का सीजन बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन दुआ करें कि ये धूप चली जाए और वो अच्छा सा क्लाउडी सा वेदर हो और फिर बारिश हो, तो फिर तो क्या ही बात है। क्यों अदान क्यों हिलाल ऐसे होगा ना? बिल्कुल ऐसे तुम गिरे तो नहीं, हमें तो डर लग रहा था हो जाए। दो दफा कपड़े चेंज करके आया, पहले मैं व्हाइट था, गोला गंडा बना, फिर अरे आज मेरे साथ क्या हुआ सुनो। जिसके घर में जान जैसी औलाद हो है ना, तो उसके यहाँ तो यही सब होना है। एग्जैक्टली टाइम पे मैं समझी बच्चे गाड़ी में बैठ चुके होंगे, ड्राइवर ने गाड़ी, मैंने कहा अच्छा हाजी भाई आ गए, गाड़ी में बच्चे बैठ गए होंगे। जब मैं नीचे बैठी पहुंची तो पता चला मेरे बेटे साहब जो हैं वो पूरे यूनिफॉर्म में गीले हुए हुए थे। मम्मा मैं नहा रहा था उस वक्त, दिल चाह के मैं क्या करूँ भागी वापस, जल्दी से दूसरा यूनिफॉर्म निकाला, प्रेस हुआ। बस जी बच्चे हैं यार, लेकिन बस कर देना, बच्चे तो बच्चों ने तो बारिश कभी देखते हैं। हम पागल हुए में तो बच्चे तो फिर बच्चे यार। लेकिन मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी, मुझे नहीं लगता वो मेरी वाला है क्योंकि वो इतनी सीधी साधी साइड में खड़ी हुई है और वो साथ जाके लॉन में नहा रहे। खैर जी आज सुभानी की बर्थडे है, ठीक है, हमारे बहुत ही अच्छे से हमारे ऑफिस कलीग हैं, तो सुभानी आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और पूरे वाइब चैनल की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह करे कि आप ऐसी हजारों बर्थडे देखें अपनी जिंदगी में और आपके घर वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप उनके घर में पैदा हुए और जो है आप हम सबको बहुत खुश रखते हैं, हम सबकी बहुत सारी चीजों को पूरा कर रहे होते हैं। हम एक कॉल करते हैं सुभानी को और सुभानी हमारे सारे काम कर देते हैं ना। बिल्कुल, ये क्या आता है सुभानी के अंदर, ऐसे ही बंदे चाहिए। तो खैर जी सुभानी की क्या और भी जिन जिन लोगों की बर्थडे हो उन सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा हिलाल आज हम क्या कर रहे हैं एक्सरसाइज में, क्योंकि बातें तो हमने बहुत सारी कर ली। जो ईमेल से रिक्वेस्ट आई है वो फिर कल इंशाल्लाह ताला उससे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो कल रिक्वेस्ट आई थी उनको पूरा करेंगे। हिप पोर्शन की एक्सरसाइज थी और मोरों की जो कल को रिक्वेस्ट आई, ठीक है जी, पहले बैकबोन की एक्सरसाइज, ठीक है, थोड़ी सी मैं भी करूंगा आज यार, मैं स्ट्रेच करते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है, यूं हाथ रखें, ये थोड़ा सा लेग स्ट्रेच कर लेते हैं। कॉल भी है आप करें जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ जी। काशिफ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र। मैं अदनान भाई से चाहूंगा, आज मौसम बड़ा अच्छा है। हाँ जी, अगर गाना गाए वो गाना जो है ना मैं और मिसेस सन्ना का, कौन सा वाला गाना? वो अलग अलग था, प्यार का वादा, सलमान खान और करीना कपूर का है ना। अच्छा तो थोड़ा सा तुम सुना दो ना, थोड़ा सा सुनाओ जरा काशिफ। प्यार का वादा हम कभी तोड़ेंगे, तुमने सोचा। क्या बात है जी, ये कैसे, एक बात सुनो काशिफ, ये दाल में जो काला, अच्छा चले गए काशिफ, वरना मैं जरूर पूछती हूँ किसको डेलीकेट कर रहे हो ये भी जरा साथ साथ बता दो, क्योंकि ऐसे मौसम में ना ऐसे कीड़े निकल रहे होते हैं ना एकदम। क्या कर दिया, कीड़ा बोल दिया आपने, ये अरमान भरे जो कीड़े होते हैं ना और ये फिर इसी तरह से किसी शो पे फोन किया जाते हैं, भैया तुमने नीचे मैसेजेस पढ़े कभी जो डेडिकेटेड मैसेज जो आते हैं, जो डेडिकेट किए जाते हैं, इतने मजे मजे के लग रहे होते हैं कि यार